मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे कहानी, ये जो सूरज का अपहरण है उसके अंतर्गत सुनहरे जो पंख है वो एक कहानी के रूप में दिया गया है। अब उसको हमको नाटक के रूप में बनाना, जैसे कल हमने आपको बताया थे कि जो भिखारिन कहानी है उसको क्या करना है कि हमको सूरज का अपहरण जैसे हास्य नाटक था उसी प्रकार से हास्य वाला नहीं लेकिन ऐसे नाटक के रूप में हमको परिवर्तित करना। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए कल हमने पढ़े थे 72 नंबर का पेज, उसमें एक हम मतलब इसमें अकबर बीरबल का किस्सा उसको नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया था। तो हम इसको अभी पढ़ के सुना रहे हैं, अगर आप तक से बनेगा तो करेंगे, नहीं तो हम आपको बता देंगे। प्रस्तुत उदाहरण में केवल एक दृश्य का वर्णन किया गया है। स्थान परिवर्तन या परिस्थिति परिवर्तन होने से सामान्यतः दृश्य परिवर्तन होता है। नीचे दिए गए प्रारूप को समझिए। इस प्रारूप की मदद से आप नाटक और उसमें शामिल तत्वों का प्रारूप बना सकते हैं। नाटक का शीर्षक है ना, मंच शीर्षक मतलब नाम, मंच निर्देश, पात्र का मंच व्यवस्था, सामग्री नाटक के लिए प्रयोग होने वाली वस्तु का कौन सी, पात्रों का विवरण, दृश्य एक दृश्य दो इस प्रकार से, विषय वस्तु नाटक, पात्र की समस्या, समस्या को सुलझाने की कोशिश, नाटक का चरम बिंदु दृश्य नंबर 3 में, उसके बाद दृश्य नंबर 4 में नाटक का चरम बिंदु और दृश्य नंबर 5 में नाटक का अंत। नीचे दी गई पंचतंत्र की कहानी है, आइए हम कहानी को नीले प्रारूप की मदद से नाटक में परिवर्तित करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सुनहरे पंख वाला हंस, एक कहानी है इसको हम पढ़ते हैं, उसको अब आपको क्या करना है नाटक के रूप में बनाना। किसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार की दो लड़कियां और उनकी माँ थी, वे बहुत गरीब थी। माँ घर के काम करती थी और दोनों बेटियां जंगल से लकड़ियां बीनकर बाजार में बेचती थी। तीनों मिलकर काम करती तब कहीं जाकर घर का गुजारा होता था। एक दिन दोनों लड़कियां जंगल में लकड़ी बीनने गई। उनकी माँ बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी आंगन में कहीं से उड़कर एक हंस आया। पहले तो उस स्त्री ने कोई ध्यान नहीं दिया, वह आराम से कपड़े सुखाती रही, पर जब बहुत देर तक हंस टकटकी लगाकर उसे देखता रहा तो उसने उसकी ओर ध्यान दिया। उसने जब हंस को ध्यान से देखा तो वह चौंक कर बोली, अरे यह तो बड़ा अनोखा हंस है, ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसके पंख तो सोने की तरह चमक रहे हैं। वह उस हंस के नजदीक गई तो पाया कि हंस के पंख तो सदमुच सोने के थे। वह धीरे धीरे हंस की ओर बढ़ी पर इतने में ही वह हंस उड़ गया। उड़ते उड़ते उसका एक पंख जमीन पर गिर गया। स्त्री ने वह पंख उठा लिया। शाम को जब उसकी बेटियां घर वापस आई तो उसने वह पंख अपनी बेटियों को दिखाया। स्वर्ण पंख देखकर दोनों चौंक गई। वह स्त्री उस पंख को लेकर सुनार के पास गई, उसे बेचा और उससे मिले पैसों से घर का आवश्यक सामान लेकर आई। उसके बाद तो यह रोज का सिलसिला हो गया। वह सुनहरे पंख वाला हंस आंगन में आता और एक पंख छोड़कर चला जाता। उसी स्त्री उस पंख को बेचकर घर का जरूरी सामान लाती और बाकी बचे पैसे अपने पास जमा कर लेती। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। जैसे जैसे स्थिति सुधरने लगी वैसे वैसे उस स्त्री के मन में और अधिक पैसे का लालच बढ़ने लगा। उसने एक योजना बनाई ताकि वह उस सुनहरे पंख वाले हंस को पकड़कर उसके सारे पंख ले सके और एक साथ ढेर सारा धन कमा सके। अगले दिन अपनी योजना के तहत वह स्त्री घर के पीछे की ओर जाकर छिप गई। जैसे ही वह हंस आंगन में आया वैसे ही उस स्त्री ने पीछे से उसे पकड़कर उसकी गर्दन दबा दी। पर क्या, मरते ही वह सुनहरा हंस सुनहरा नारंग का सफेद हंस बन गया। यह देखकर वह स्त्री रोने लगी। उसके हाथ से खून भी हो गया और रोज मिलने वाला सुनहरा पंख भी क्या हो गया, चले गया। अब देखिए ये पेज पलट लीजिए, इसमें देखना है अपने को सुनहरे पंख वाला हंस, मंच निर्देश, एक गांव का दृश्य, सामग्री घर दिखाने के लिए उससे जुड़ी आवश्यक सामग्री, टोकरी कुल्हाड़ी बाल्टी कुछ कपड़े सुनहरा पंख। फिर पात्र दृश्य में सबसे पहले इसमें क्या बनाना है, ये जो कहानी है उसको नाटक के रूप में बनाया गया है। तो देखिए पात्रों का विवरण, गांव के अंदर के घर के अंदर का दृश्य, स्त्री माँ रानी मीना आओ जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ, ऐसा माँ ने कहा है ना, उनकी लड़कियों का नाम क्या है रानी और मीना, जंगल से लकड़ियां ले आओ, सूरज चढ़ गया तो गर्मी बढ़ जाएगी। दो लड़कियां हैं, रानी फिर क्या बोलती, हाँ माँ हम बस जा ही रहे। फिर दूसरे दृश्य में हंस जो है और सुनार, रानी और मीना कुल्हाड़ी टोकरी लेकर चली जाती है और माँ वापस अपने घर में लग जाती है। अब देखिए दूसरे दृश्य में घर के बाहर आंगन का दृश्य, आंगन में एक बाल्टी में कुछ कपड़े हैं, औरतें कपड़े सुखा रही है, तभी आंगन में एक हंस आकर बैठ गया। इसे वस्तु नाटक पात्र की समस्या, माँ ने क्या कहा,
जाकर अरे ये तो बड़ा नौखा हंस है, ऐसे सुनहरा हंस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसके पंख तो सोने की तरह चमक रहे हैं। बोलते बोलते हंस के नजदीक गई। माँ ने कहा अरे ये तो सच में सोने का हंस है। तभी हंस उड़ गया। उड़ते उड़ते सुनहरे हंस का एक पंख जमीन पर गिर गया। स्त्री ने पंख उठा लिया, स्त्री ने पंख उठा लिया। अब दृश्य नंबर 3, गांव में घर के अंदर का दृश्य। शाम को जब उसकी बेटियां घर वापस आती है तो वह पंख अपनी बेटियों को दिखाती है। माँ बोलती देखो आज मुझे घर के आंगन में क्या मिला। मीना बोली अरे सुनहरा पंख। फिर समस्या को सुलझाने की कोशिश हो रही है। माँ ने बोला हाँ आज आंगन में सुनहरा हंस आया था, जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि उस हंस के पंख स्वर्ण के। रानी बोली क्या फिर क्या हुआ माँ, बेटी ने पूछा। फिर माँ क्या बोलती देखो मैं धीरे धीरे उस हंस के पास गई, पर जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंची वह उड़ गया। उड़ते हुए उसने एक पंख आंगन में छोड़ दिया। मीना क्या बोली ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम इस पंख का क्या करेंगे। तो मीना क्या बोलती ये तो बहुत अच्छा हुआ अब हम। माँ बोलती है मैं सोच रही हूँ यह पंख सोने की दुकान में ले जाकर जाऊं और इसे देखने की कोशिश कर। फिर फोर्थ नंबर का दृश्य, चौथा दृश्य, सुनार की दुकान का दृश्य। सुनार क्या बोलते आइए माता जी। माँ बोली भाई साहब मैं आपकी दुकान पर यह पंख बेचने आई हूँ। सुनार पंख देखता हुआ, सुनार बोला अरे तो स्वर्ण पंख है ना। फिर माँ ने क्या बोला हाँ अगर आप ये पंख खरीद लेंगे तो मैं घर का सामान ला पाऊंगी। सुनार बोला बिल्कुल मैं ये पंख खरीदना चाहता हूँ, आप यकीन दीजिए सुनार पंख के पैसे। फिर माँ क्या बोलती है धन्यवाद। पांचवें दृश्य में देखो नाटक का चरण बिंदु। माँ ने कहा अपने आप से स्वतः अपने आप से यह हंस रोज आकर एक पंख छोड़ जाता है, मुझे रोज उस पंख को बेचने जाना पड़ता है। कितना अच्छा हो अगर मैं उस हंस को पकड़कर एक ही बार में उसके सारे पंख ले लूं, कल जब वह हंस आएगा तो मैं यही करूंगी। छठवें दृश्य और आखिरी दृश्य देखो आना का दृश्य। हंस घर के बाहर बैठा हुआ है। माँ क्या बोलती आ गया वह हंस, नाटक का अंत है ये। जैसे ही वह हंस आंगन में आया उस स्त्री ने पीछे से उसे पकड़कर उसकी गर्दन दबा दी। मरते ही वह सुनहरा न रहकर सफेद हंस बन गया। यह देखकर वह स्त्री रोने लगी। माँ ने क्या बोला रोते रोते अरे यह मैंने क्या कर दिया, अपने लालच में इस हंस को मार दिया, मेरे हाथों से हंस का भी खून हो गया और मेरे हाथ से भी हंस चला गया। और स्त्री क्या रोने लगी जो जो से मिलाप करती है धीरे धीरे पर्दा गिरता मगर नाटक का अंत हो जाता। तो देखिए आओ करें 11 में, राघव ने नानी के कमरे में बिस्तर के नीचे एक संदूक देखा। संदूक में नानी के बचपन के कुछ खिलौने, सखियों के पत्र आदि थी। वह नानी के साथ बैठकर संदूक और उसमें रखी चीजों की चर्चा करता। दी गई परिस्थिति के आधार पर एक नाटक लिखी है। तो आपको अपनी नाटक बनाना, सोचो और बताओ। यहाँ पर दिया है देखो दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और चर्चा कीजिए कि इनकी मदद से कैसे समय देखा जाता होगा। दोनों प्रकार की घड़ियों की कार्य प्रणाली के बारे में पता कीजिए और कक्षा में बताइए। आजकल समय देखने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं, हमें ख्याल है। अक्सर हम समय बताने में अंतरराष्ट्रीय मानक AM ना 12 बजे तक का समय, रात के 12 से सुबह, या PM शब्द का यानी अभी 12 बजे से रात के 12 बजे तक। AM और PM लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग 12 घंटे वाली समय प्रणाली में दोपहर से पहले और दोपहर के बाद का समय बताने के लिए किया जाता है। एंटी मेरिडियन है ना 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक दोपहर के पूर्वाह्न का, और पोस्ट मेरिडियन 12 बजे से रात के 12 बजे तक की है ना। यदि जैसे आप कहते हैं कि मैं 10 बजे घूमने जाऊंगी तो यह समझना कठिन है कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, परंतु यदि आप कहते हैं कि मैं 10 बजे AM पर घूमने जाऊंगी तो AM यानी पूर्वाह्न शब्द के प्रयोग से सुनिश्चित होता है कि आप सुबह दोपहर से पहले मतलब कि रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक के पूर्वाह्न मतलब AM और अभी 12 बजे दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक के PM मतलब कि ये बात का समय यानी अपराह्न होता है ना, प्रयोग किया जाता है जिसके आधार पर अलार्म बनने का समय निर्धारित होता है। तो आपको ये नाटक बना के देखना है, अगर बनता है तो बना के आपको सेंड करना है। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे और जितना भी होमवर्क है मतलब नाटक को अपने को बना के देखना है, अगर बनने का तो बनाइएगा, नहीं तो फिर हम एक बार अपने तरफ से बना के भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।